दोस्तों तो हम बात करेंगे कि CUET UG का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। बट 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम ज़रूर दिया है, बट 10 लाख लोगों को एडमिशन नहीं मिलने जा रहा है, ये एक फैक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सीटें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हैं, तो बाकी जो लोग हैं उनका उनको कोई अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी, तो उनको वो क्या करेंगे। कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई गई है, जहाँ तक आप देख सकते हैं इधर ये कुछ टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट है। हर्षिल वर्मा पॉलिटिकल साइंस, इनको 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल मिले हैं। मैथमेटिक्स में देखो मोहम्मद यूसुफ वसीम 196, मैथमेटिक्स में फिर भी कम है। हमको लग रहा है कि सबसे कम रोशन कुमार यादव, हिंदी में भी बताओ 198 हिंदी में आ रहे हैं। बायोलॉजी इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम टफ था जी, ये बात नहीं है। बात ये है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली में लेना होता है एडमिशन। जिनका नहीं हुआ ये मतलब नहीं है कि उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट ही इतने ज़्यादा हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करें, लाइफ है, बहुत सारे मौके आगे मिलेंगे। यहाँ से एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, या ऐसे ही भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोगों को यदि एडमिशन लेना ही है, जैसे किसी को ग्रेजुएशन ही करना है किसी सब्जेक्ट्स में, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा, आपके अंदर क्या नॉलेज है, यही डिपेंड करता है। अच्छे कॉलेज में गवर्नमेंट यदि हम लोगों को कोई गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिल जाता तो ये होता कि वहाँ कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बहुत कम रुपए में, जो हमारे करियर डेवलपमेंट में हमको हेल्प करती हैं, ये तो एक बात है। बट क्या कर सकते हैं, जब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। आगे पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत सारे से कोर्सेस हैं, और आप लोगों में से किसी को यदि कुछ लगता हो कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा उनकी लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छा कोई सजेशन देने के लिए कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं। रिजल्ट एग्ज़ाम यही होता है कि बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो लोग बेकार हैं या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई सबकी वैल्यू होती है और सब अपने अपने फील्ड में अच्छा वर्क कर लेते हैं, सब कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो गया या जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया है वो उनकी ज़िंदगी बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ज़िंदगी बनाना, बिगाड़ना या करियर डेवलप करना ये सब आपके हाथ में होता है। आप कहीं से भी पढ़ के अपना बहुत अच्छा कर सकते, यदि आप आज ठान लें कि आपको कुछ करना है। मैटर नहीं करता है कि आप किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आज के ज़माने में जब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब है, गूगल है, कितनी सारी बुक्स हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप एक अपने आप को बेटर डेवलप कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा। मैटर नहीं करता कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कि जामिया इस्लामिया में पढ़ते हैं, कि कोई और अदर लॉ के स्टूडेंट होंगे बहुत सारे जिनको नहीं मिला होगा, जिनको चाहते होंगे कि कोई अच्छा कॉलेज मिले, नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कम है। स्टूडेंट सारे सब लोग जानते हैं कि उनको एक ही जगह एडमिशन मिले, वो सब लोग जानते हैं कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, बट नहीं मिल पाता है भाई। तो क्या ये इसका मतलब ये थोड़ा, कोई और देखो, कम मार्क्स हैं तो कोई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, और कम है तो किसी और में। मेरे हिसाब से किसी को गैप नहीं करना चाहिए, और बट किसी को बहुत ही इच्छा है कि अरे नहीं हमको लेना है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या JNU तो UG के कोर्सेज में बहुत कम है, बट DU है और भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको उसमें उसी में लेना है, तो भाई
अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए एक बार और। और जिनको लगता है कि नहीं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कहीं भी किसी भी कॉलेज से पढ़ के अपना अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं, तो उनको वहाँ से करना चाहिए। मेरे को लगता है अपना टाइम कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी स्टडी में, अपने वर्क में, जो भी कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड, उसमें कभी भी कोई गैप नहीं करना चाहिए। क्योंकि गैप जब हम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, जो कि हमारे करियर डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, मार्क्स अच्छे आए हैं, कॉलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे कोई और कॉलेज मिल रहा है तो एडमिशन ले लीजिए, गैप नहीं कीजिए। मेरा सजेशन यही है, मेरा दावा यही है कि आप यदि मेहनत करेंगे, आप अपने करियर को अच्छे से डेवलप करेंगे, आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप मैटर नहीं करता है, आप किसी भी स्टूडेंट को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप चाहे गाँव के स्कूल में पढ़ रहे हो, बट आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आप किसी भी स्टूडेंट को टक्कर दे सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, कर लीजिए, अपने करियर को डेवलप करने से मिस नहीं कीजिए। आप में से किसी के अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए तुरंत, हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। मिलते हैं।